भोपाल में तेल के दामों में एक बार फिर उछाल आया है। कुछ दिनों से स्थिर बने भाव एक बार फिर चढ़ गए हैं। सोयाबीन तेल जहां 1650 पर पहुंच गया है, वहीं मूंगफली तेल भी महंगा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े पाम उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा क्रूड पाम तेल और RBD पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया भर में खाद्य तेल बाजारों में तेजी है। इसी वैश्विक तेजी का प्रदेश के बाजारों पर भी असर दिख रहा है। तेल के दाम अभी और बढ़ने की आशंका है। प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर बाजार में मूंगफली तेल 1700 रुपये प्रति 10 किलो तक के भाव में बिका है। व्यापारियों के मुताबिक मूंगफली तेल की सप्लाई कम होने की वजह से दामों में 20 रुपए की तेजी देखी गई। इस तरह सोयाबीन तेल भी 10 रुपए बढ़कर 1650 रुपए प्रति 10 किलो बिका। तेल के भाव कम होने के बाद कुछ दिनों से थमे हुए थे, लेकिन अब इनमें फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं व्यापारी बताते हैं कि वैश्विक कारणों के साथ ही अक्षय तृतीया और वैवाहिक आयोजनों की मांग के कारण तेल के दाम में अभी कमी होने की कोई आसार नहीं है। अभी तेल के दाम में मजबूती बनी रहेगी। हालांकि भारत सरकार ने 5.5 लाख टन सोया DOC के आयात की अनुमति दे दी है, लेकिन इससे बाजार में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।